प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से इंटरनेशनल बायर्स किस तरह से ढूंढे जाते हैं, तीन पार्ट का ये वीडियो है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, हर एक स्टेप ध्यान से फॉलो करना। तीनों पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स कवर होंगे और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कैसे इंटरनेशनल बायर्स ढूंढे जा सकते हैं ये हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कवित अश्विन शाह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया का आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग जब से आया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2008-2009 तक तो ऐसे वर्ड्स लगभग थे भी नहीं, अप्रोक्स बस कुछ चालू होने की संभावना थी, आशंका थी, तब फेसबुक इंडिया में जस्ट लॉन्च हुआ था। और पिछले 8-9-10 सालों में इसने आके जो धूम मचा दी है, कितने लोगों को रोजगारी दी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट अपने इंटरनेशनल बिजनेस जो पूरी कम्युनिटी है उसको एक बहुत बड़ा सुकून दिया है, बहुत बड़ी शांति दी है। डिजिटल मार्केटिंग के आने से इंटरनेशनल बिजनेस सबसे ज्यादा आसान हो चुका है। डोमेस्टिक बिजनेस को तो बहुत फायदा हुआ ही हुआ है, बट इंटरनेशनल बिजनेस को जो फायदा हुआ है, जो सुकून मिला है, ये वीडियोस में, ये तीन पार्ट के वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्ट वन यानी कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट किन किन तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस या कोई भी बिजनेस हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भैया उसमें सेल्स होना चाहिए। आपकी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो एक्सपेंसेस साइड पे बहुत सारी चीजें लिखी होगी, सैलरी का एक्सपेंस हो गया, रेंट का एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन बिल का एक्सपेंस हो गया, आपको किसी वेंडर को पैसा देना पड़ेगा, ढेर सारी चीजें। और इन सभी चीजों को बैलेंस करता हुआ, इन सभी चीजों को पछाड़ता हुआ एक ही चीज सामने की बाजू लिखी होगी और वो है सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूरी बैलेंस शीट में ढूंढो तो हर कोई बिजनेसमैन यही देखना चाहता है, मेरा सेल्स कितना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में भी यही हालत है। अगर आप अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, तो ही आप एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं खाली मैनेजमेंट करूंगा, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं आ सकते हो। अब एक बात जो समझनी सब लोगों को जरूरी है, दैट सेल्स करना अपने आप में एक प्रोसेस नहीं है। हालांकि मैं ऐसा कह सकता हूं एक तरह से कि सेल्स तो भैया एक एंड रिजल्ट है। मैं ऐसा मानता हूं दैट सेल्स इज द एंड रिजल्ट। आप जाके सेल नहीं कर सकते हो, आप ब्रांडिंग कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, और जितना अच्छा ब्रांडिंग, जितना अच्छा मार्केटिंग करोगे, वो आपके रिजल्ट यानी आपके सेल्स के फॉर्म में बाहर आएगा। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, तब आप घर पे क्या बोल के जाते हो कि मैं पास होने जा रहा हूं, मैं फेल होने जा रहा हूं? जी नहीं, आप कहते हो मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूं, मैं एग्जाम लिखने जा रही हूं। उसी तरह से जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो या तो ब्रांडिंग एक्टिविटी या मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। सेल्स के कुछ प्रोसेसेस है, कुछ स्टेप्स है, पर अगर हम मैक्रो व्यू देखें तो ब्रांडिंग प्रोसेस होती है, मार्केटिंग प्रोसेस होती है, एंड सेल्स उसका एंड रिजल्ट होता है। तो दोस्तों, मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट पहलू, वो जो पिछले कुछ सालों में जात हुआ है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग पिछले 10-11 सालों से इवॉल्व हुआ है। इसको करने के रास्ते शुरुआती तौर पे ईमेल्स तो थे ही थे। ईमेल्स के बाद धीरे धीरे आ गया आपका मैसेंजर्स, मैसेंजर्स में व्हाट्सएप आया, उससे पहले एक एसएमएस आया। अब एसएमएस, व्हाट्सएप, ये तो छोटे छोटे खिलाड़ी अभी कुछ खेल रहे थे, मैसेजिंग कम्युनिकेशन में मदद कर रहे थे, पर अभी मार्केटिंग उतना वाइडस्प्रेड नहीं हो रहा था इन सबसे। और उसमें फिर धड़ाम से आ जाता है सोशल मीडिया। पहले सोशल मीडिया खाली अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करने के लिए वो काम किया करते थे, अब सोशल मीडिया फुल फ्लेज्ड बिजनेस के प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह से एक बूम लेकर आया है, और उसमें भी खास कोविड के बाद। पहले ऐसा था कि डिजिटल, दो तरह के लोग दुनिया में डिवाइड हो चुके थे, बीच में बहुत बड़ा गैप था। एक जो डिजिटल मीडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, जो उसे शैम समझता था, फ्रॉड समझता था, फालतू समझता था, और दूसरा एक ऐसा वर्ग जो डिजिटल मार्केटिंग को एक्सेप्ट कर चुका था, डिजिटल मीडिया की तरफ मुड़ चुका था। पर जैसे ही कोविड आया, बीच का गैप धड़ाम से खत्म हो गया। अब चाहे आप सब्जी लेने जाओ, तो छोटे से छोटा ठेला वाला, रेकड़ी वाला, स्टॉल वाला भी पेटीएम का या तो फोन पे का स्टिकर लगा के बैठ जाता है। हर कोई अब डिजिटल हो चुका है, हर किसी को डिजिटल होना पड़ा है। उसी तरह से हर किसी को इंटरनेशनल जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इंटरनेशनल अगर जाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग
इन इंटरनेशनल बिजनेस। नंबर वन कि आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, फेसबुक के माध्यम से बायर्स कैसे ढूंढते हैं, इंस्टा के माध्यम से बायर्स कैसे ढूंढते हैं, लिंक्डइन के माध्यम से बायर्स कैसे ढूंढते हैं, उन सभी माध्यमों से बायर्स ढूंढना जरूरी है। एंड ओवरऑल सभी सोशल मीडिया से आप आराम से बायर्स ढूंढ सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आराम से बायर्स ढूंढ सकते हैं। पर सोशल मीडिया से बायर्स ढूंढने के दो तरीके हैं जिनके ऊपर खास तौर पर मैं गौर करवाना चाहूंगा। सबसे पहला तरीका वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है बिना पैसे डाले, बिना कोई पैसों का इन्वेस्टमेंट किए, उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी जो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है इसमें पैसों के रोल से ज्यादा कंटेंट का रोल आता है। यानी कि देखिए हर एक सोशल मीडिया का एल्गोरिथम यानी कि सिस्टम जो बैकएंड में होता है, पीछे में जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। जैसे ही आप कोई पोस्ट करते हो वो पोस्ट वो रैंडमली 30-40-50-100 लोगों को दिखाता है। उन लोगों को अगर वो पोस्ट अच्छी लगी, उन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या पोस्ट पे एंगेजमेंट किसी भी तरह से दिया तो फिर वो पोस्ट ज्यादा लोगों को दिखाता है और इसी तरह से कोई भी पोस्ट वायरल होती है। तो ऑर्गेनिक में अगर आपको आगे बढ़ना है, उससे जीत पानी है, तो आपको अपनी पोस्ट का जो कंटेंट है वो सुपर्ब होना चाहिए। सुपर्ब मतलब इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सीधा उसके दिल को छू जाए, उसके मन को भा जाए और उसके ऊपर वो कुछ काम कर सके, उसके थ्रू वो कुछ एक्ट कर सके। सो दैट इज कंटेंट। ऑर्गेनिक में रीच बढ़ाने के लिए दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज ये करनी पड़ेगी कि जो टाइमिंग ऑफ पोस्टिंग होता है यानी कि कितने बजे आप पोस्ट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने वो ढंग से किया कि जब मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपको ऑर्गेनिक रीच अच्छी खासी मिल जाएगी। ऑर्गेनिक पोस्ट में बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तब जाके आपकी पोस्ट वायरल होगी और वो वायरल होने के बाद आपको ऑर्गेनिक का फायदा मिलेगा। दोस्तों दुनिया में केवल फेसबुक एक मीडियम पे एक दिन में लगभग कुछ 100 करोड़ से ऊपर पोस्ट होती है। अब ऐसे केस में आपकी पोस्ट कहां गुम हो जाएगी, कैसे पता चलेगा। तो ऑर्गेनिक रीच इज समथिंग जो आजकल अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केटिंग के दिग्गज है वो सब यही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक रीच इज नाउ डेड। बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक रीच आपको मिलेगी। तो मेरे साथ आप जुड़े हो, मैं आपको यहाँ पे इन वीडियोस के माध्यम से कोई फालतू बातें देने नहीं आया हूँ, मैं इन वीडियोस के माध्यम से टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ हमेशा एज यूजुअल, और मैं मेरे हर एक सर्विस में भी टू द पॉइंट ही बात करता हूँ। तो इसमें अगर टू द पॉइंट एक बात बताऊँ आपको इस पार्ट वन में, तो ऑर्गेनिक रीच ऑलमोस्ट डेड हो चुकी, उसके पीछे एनर्जी मत डालिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है, हमारे पास ऐसा कोई टाइम नहीं है कि हम ऑर्गेनिक रीच के माध्यम से वेट करते रहे फिर हमें रिजल्ट मिलेगा, फिर हमें क्लाइंट्स मिलेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इतनी देर में अगर हम एक अच्छे लेवल तक पहुंच गए तो जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे 20 से 25 गुना ज़्यादा पैसा हम कमा लेंगे। तो ऑर्गेनिक रीच के पीछे इंटरनेशनल मार्केटिंग में मत भागिए। इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये जानने के लिए पार्ट 2 के वीडियो में मेरे से मिलिए। और अभी एक बात यह है भाई साहब कि अगर आप अपना इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनली अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और स्पेशल ऑफर आज के दिन के लिए, खाली अभी के लिए स्पेशल ऑफर पाइए। फटाफट कॉल करो और डिजिटल एक्सिम के साथ जुड़ो। मेरे साथ लेट अस बी डिजिटल, गो ग्लोबल। जय हिंद।